मेरा उठो तैयार हो जो हम लोग कहीं चलते हैं। पहला दिन फैमिली के साथ, दूसरा दिन फैमिली के साथ, तीसरा दिन सैया के साथ। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। जो ईदी आपको मिला करेगी ना वो मैं ले दिया करूँगी, ठीक है, और जो मैं दिया करूंगी वो आप दिया करूंगी। परफेक्ट। हाँ। क्या व्हाट अ कॉम्बो बिजनेस है ये तेरा। वो देख रहे हैं आप, वहाँ मैच चल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है, इतनी प्यारी उसने कवर ड्राइव मारी है। सो गाइस फाइनली मेरा मजेदार रिवाइज डे का ट्रिप देखा। चीज लाता हूँ, बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट चीज है। और मैं लोगों को जरा टेस्ट करके दिखाऊं। सही है, मैं कैसी लगी मुझे ना ये शक्कर वाला दूध। Welcome to another vlog, welcome to another very 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 beautiful day। और आज है ईद का तीसरा दिन, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब जो है वो अपनी बहनों से जाके देखती हूँ उनकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि सुबह से सभी सोए हुए हैं। मैंने बोला है सबको कि तैयार हो जो कहीं चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं। ईदी में एक ड्रेस आया था ना जो मेरे ससुराल से आई थी, तो उसमें मेरा एक ड्रेस था, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने आज ये पहना ईद के तीसरे दिन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर दें, लेट्स गो होते हैं लाइव। नीचे तो यहाँ मुझे कोई ना बंदा ना बंदे की जात दिख रही है, मुझे लग रहा था नीचे तैयारियां चल रही होंगी। अभी यहाँ पे कमरे के अंदर जाती हूँ, एंटर के लिए मम्मा है खाली और पापा है। आप जूते का डब्बा पकड़ के क्यों? ये बैग में हूँ भाई। अच्छा, आज पापा तो सही तैयार लग रहे हैं। नहीं प्यार नहीं, मैं टोपी पहन लूं तो मैं प्यारा हो जाता हूँ। हेलो हेलो, ये लड़कियाँ नहीं, मेरी बात सुनो, ये तैयार आज ईद का तीसरा दिन है, क्या मसला है? मैंने कहा था आज तीसरा दिन है कहीं चलते हैं। मैं तो लेजी, मैं तो सोचा था आज उठो तैयार हो जो हम लोग कहीं चलते हैं। यार मैं तैयार हूँ ईद के तीसरे, एकदम किसी से बात भी नहीं कर डायरेक्ट। यार दाल तो कुछ तो काला है, कुछ काला नहीं है क्या, पागल है ये? पूरी दाल ही काली है। उठो तैयार हो यार, मूवी मूवी देखने चलते हैं यार, तुम लोग कितनी बोर हो। ईद के पहले तीन ही मूवी के इतना रश होता है ना कि आपको के बुकिंग करवानी पड़ती है, तब तक बहुत रश होता है। तो हम भी उन्हें आम में हो रहेंगे, कोई मसला नहीं। ईद के दिन से ईद के दिनों में नहीं जाना, तो कब जाना है? मैंने पिछले पूरे रमजान से मैं वो कर रही हूँ, हसल कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। निकलो तो बोरिंग दिन तुम्हारा भी एंटरटेनिंग करती हूँ। जब आप सड़ी हुई गंदी शक्ल बना के बैठे हो गए तो आपका दिन बोरिंग ही होगा। मैं अपने तो दिन को कर रही है कि हाँ। तो मैं तो खुद चाह कर बोरिंग बनाया उसको कि यार इतना वो हो रहा था, इतना फन कर लिया तो एक दिन बोर भी होना चाहिए। और ये फातिमा मैडम क्यों नहीं हिल रही है? यार फातिमा बहुत मसरूफ है, ईद की भी छुट्टियां नहीं हुई है इस औरत को, ईद की भी छुट्टियां नहीं हुई। मानो तेरा नाक ठीक हुआ है, मानो का गाइस आपको नाक दिखाती हूँ, बेहतर है पहले से नाक ठीक। नाक ही दिखता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो राबिया ना, ये जो राबिया ये तैयार क्यों नहीं है? मैंने जब नहीं इससे छुट्टी नहीं दी गाइस, ये पिछली ईद के दिनों में गोबरों में फिरती रही है और कांटों में फिरती रही है, इसको लग गई है नजर, तो उसने कहा कि आज मैं तैयार नहीं होती। मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई, किसी का कमेंट आया यार इस लड़की ने इस वीडियो में बहुत मेहनत की, इसने कांटे सहे, इसने गोबर सहा, इसको लाइक करो। मुझे लगता था वापस सूट भी नहीं है। कपड़े भी नहीं, मैं तो बनाने के लिए दो दिन रखे हुए थे, तीन दिन रखे थे। आपको तो लेकिन ड्रेस आ गया था ना ईदी का, हमें अब हमारे रिश्ते नहीं हुए हुए, वो अलग बात है, हमें नहीं आती है, यू नो। ईदी आपने उनका बनाया? हाँ ये मेरी ईदी ईद नहीं आई थी, बताओ कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, ईद का आज का टाइटल लगा ईद का सूट पहना। अरीब भाई का सूट पहना। हाँ ये अरीब का सूट है ना, अरीब भाई का ब्लॉग, अरीब भाई एक कप चाय तो प्यार है। ये अरीब भाई को बहुत, अपने अरीब भाई को बहुत तंग करती है चाय के नाम से, पता नहीं क्यों मुझे। मेरा तो दिल कर रहा है लेकिन ये नहीं जा रही कोई भी, मैंने इतनी मिनटें की है कि चले जाते, कहती नहीं आज रेस्ट कर, मैं क्या करूँ फिर। तो गाइस मेरी बहनों ने तो मुझे दे दिया धोखा, मतलब ये लोग मेरे साथ कहीं नहीं जा रही है, तो आई गोना कॉल मिस्टर अरीब के आप मुझे कहीं पे लेकर जाओ। वैसे भी बहुत से लोगों ने कहा था आप उनके साथ अकेले जाओ कहीं सहरी करने इफ्तारी करने, खैर उस वक्त तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि ईद का तीसरा दिन अगर मैं तैयार हो ही गई हूँ और इन लोगों ने मुझे डिच करा दिया, तो मैं अरीब को कॉल करती हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने ही मैं उसको कॉल करूंगी और फिर देखते हैं कि अगर वो आ रहे हैं कि वो आ रहे हैं या वो मुझे पता लगे वो भी डिच करा गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आपका? ठीक। अच्छा अरे आप आज फ्री हो? कोई गैदरिंग वगैरह आप पे तो नहीं? कोई भी तो मैं जाऊँगा आपके। किस जगह? मेरी बहनों ने मुझे डिच करा दी, इन लोगों के साथ मेरा प्लान था मूवी शूवी देखने चलते हैं ये वो, तो अभी नहीं जा रही, तो आप मुझे लेट हो गए कहीं पे? आधे घंटे के घंटा जितने उनके खानदान वाले देख रहे हैं देख ले, इधर आ रहे हैं आपसे झूठ बोल रहे। अच्छा चलो ठीक है। आए मैं रव्या नहीं हूँ, मैं नहीं कराऊंगा डिच। ओके ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ऐसा लगा बच्चों का खेलने वाला टोकरा है। रव्या क्या मसला है? बच्चों का बैग ऊपर अंदर डाली भी कहीं निव्या बेबी बच्ची हो अपनी अपनी उम्र के हिसाब से चीजें रखते। तुम मेरा ये किसके लिए है? मेरे लिए। किसका है ये पहले बताओ? मेरा है। अच्छा मेरे कोई पैकेट ही खुलेंगे? ये क्या है? ये देखो अपना पैसा देखो, ये मेरे है। क्या हुई पड़ी उसकी शक्ल? एक मिनट पहली बात तो ये हाँ। एक मिनट दाल में निकला था कुछ काला। गाइस मैंने सोचा कि मैं अरीब के साथ जाऊंगी, ऊपर से रेडी करके लाई है बैग, अंदर से इसकी सारी प्लानिंग सी, किसने कहाँ जाना है कहाँ सब पता है मुझे। जी नहीं मैं आई थी, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपनी बहनों के साथ प्लान बनाया, अभी लोगों ने प्लान ड्रॉप किया, तो अभी मैंने सोचा कि मैं फिर अरीब को कॉल करती हूँ और अरीब से पूछती हूँ। अरीब को मैंने कॉल की तो अरीब साइड के चलो ठीक है आज का पहला दिन फैमिली के साथ, दूसरा दिन फैमिली के साथ, तीसरा दिन सैया के साथ। कितनी रब है तुम बदतमीज हो तुम मेरी चीज़ों नहीं। गाइस लोगों मैं आपको बताती हूँ, तू सही गोबर में गिरी थी, तुझे सही कांटे लगे थे, तू है कांटे होंगे गुलाब पर ही कांटे लगते हैं। वाह 40 करोड़ मेरी बात इतनी अच्छी की है मैंने। अच्छा गुलाब जब निकल आए तो उसपे कांटे ना लगे तो वो गुलाब की रौनक ही क्या। दुपट्टा जिसपे गोबर लगा था यही है वो दुपट्टा, गोबर पे नहीं लगा था, दुपट्टे पे नहीं लगा था, फ्रॉक पे लगा था, जूती पे भी लगा था। लोगों ने कहा रब्या की हमने नोट किया हर पिक्चर में पाँव क्यों कटे हुए। कौन आप कौन? वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। क्या हाल है? ठीक है। वैसे आपने मुझे कहा था कि आप बड़ा ईद का ड्रेस पहना है जो हमने दिया वो ना। हाँ ये पहचान लिया यार। क्या लगा? मैं देखो मैं अच्छा मैचिंग अच्छी लग रही है। मैचिंग तो नहीं की मैं तो वैसे ही उठ के आ गया वहीं से। अच्छा ये कितने झूठ बोलते हैं लड़के, हमेशा ये कहते हैं मैं वैसे उठ के आ गया, देखें पूरा पूरी तैयारी तो प्रो बताया उसका कि मैं कहीं पे बैठा हूं वहां से। हां रब्या, हां रब्या ने मुझे डिच पूरी फैमिली मेरी इसने हमसे पूछा ही नहीं, खुद ही तैयार होके आ गई ऊपर। अच्छा फिर कल जाओगे मूवी? और आप अपने खानदान वालों को डिच करवा के मेरी सोने वाली बेगम दादा को करने जस्ट बात बह गए। चलो आए ठीक है मैं अंदर से मिल लूं अंकल आंटी से, आप मिल लें फिर हम चलते हैं। ससुराल में आए पहली दफा? पहली दफा नहीं आए, चल निकल पहली दफा। दो जब मर्द मिलते हैं तो हाल चाल ऐसे पूछते हैं जैसे चार सदियों बाद मिल रहे हैं। हाल और चाल दोनों में फर्क है। हाँ मर्द बेसिकली चाल पूछता है, हाल नहीं पूछता। हाल भी पूछते हैं, कहते हैं हाल आपके सामने है चाल भी देख लेंगे। चलो चले चलें फिर। ओके मैं फिर ओके 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 निकलते हैं फिर। सो गाइस अब हम लोग जाने लगे हैं, वैसे मेरी बहनों ने मुझे डिच करा दिया, मेरे लिए ज्यादा नहीं अच्छा हो गया? कहाँ जाना बताओ? आप जहाँ लेके जाएंगे। खाना खाने चले? खाना खाने कुछ अच्छा सा खिलाए, बड़ा दिल जा रहा है कुछ अच्छा सा। सीट बेल्ट फिर नहीं पहनी, टूटी कर रहा देखा था। अभी फौरन फौरन फौरन। क्या खाना है? मुझे किसी अच्छी जगह का मजेदार सा खाना खाना। ईद कैसे गुजरी? ईद आपके सामने थी गोबर में। वो तो उसके अलावा कल का दिन पूछ रहा है। कल का दिन हमारा गेस्ट में गुजरा, आपने व्लॉग नहीं देखा? सारी बहनों को 5,000 दिए, मुझे तो मुफ्त की बड़े होने की चट्टी पड़ती है। आपने किस चीज को दी? आप तो वैसे अपने घर में सबसे छोटे हो। छोटा हूँ ईदी ले रहे हैं ये लेने वालों में से और मैं देने वालों में से हूँ। ईदियाँ इकट्ठी मैं दे के कंगाल होती हूँ, ये ले लेके फुल हो जाता है, तो वो जो ईदी आपको मिला करेगी ना वो मैं ले लिया करूँगी। ठीक है और जो मैं दिया करूंगी वो आप दिया। परफेक्ट। हाँ क्या व्हाट अ कॉम्बो बिजनेस है, एक तेरा एक मेरा। हाँ वो वाला बिजनेस है। हाँ जी तो ये वही वाला बिजनेस है जो अक्षय कुमार करता है, रॉडी ब्रदर्स। मैं ये करारा तोर कर रही है, फर्क सिर्फ इतना एस्ट्रोलॉजी वाली। एस्ट्रोलॉजी वाली बताएं फिर कहाँ जाना है? एस्ट्रोलॉजी वाली को जा, एस्ट्रोलॉजी वाला लेके जाएगा। ड्रीम कार खड़ी हुई थी आजकल, ड्रीम कार आजकल। कौन सी ड्रीम कार आपकी? वो है मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा।
आए वो जब आप खरीदेंगे फिर मुझे तब दिखाना। अरे वो देखें चांद कितना प्यारा लग रहा है, आप उससे ज्यादा प्यार नहीं हो गया? नहीं मेरे लिए आप उससे ज्यादा। अरे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या खाना, मैं पिछले 10 मिनट से सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। मेरा स्टेक खाने का, बीफ स्टेक खाने का दिल चाह रहा है। जहाँ का अच्छा हो, बहुत अच्छा। मुझे एक जगह पसंद है, मैं हाथ में लेके जाता हूँ स्टेक के लिए। यस यस, अब हम खाएंगे गाइस स्टेक, क्योंकि मेरा बहुत अरसे से दिल चाह रहा था और मैंने पूरे रमजान नहीं खाया। आपको पता है वैसे ही पकौड़े समोसे खा के मैं पकौड़ा समोसा बन गई। तो अब स्टेक की बारी है, तो अब चलते हैं स्टेक खाने। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हुआ कुछ हुआ कि जिस जगह अरीब मुझे लेकर आए थे ना, वहाँ पे ना पहले आपको बुक करानी पड़ती है और हम लोग भूल गए थे। अब थोड़ी देर गाड़ी में वेट करना पड़ेगा, मतलब मेरा ख्याल से 10 से 15 मिनट। मैंने वैसे उसको बोला है 10 मिनट प्लीज, हम लोगों को बड़ी तेज वाली भूख लगी हुई है। तो अब जैसे ही मैं भूल नहीं गया था कि एकदम से प्लान बना है स्टेक खानी है, तो आप मुझे क्या बताओ रिजर्वेशन होनी चाहिए। हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने ईद के दिनों की वजह से करी हुई है। अब 10 मिनट है हमारे पास और, तो 10 मिनट कैसे गुजारे, मुझे तो इतनी तेज भूख लगी है। नहीं तुम गुजार सकती मेरे साथ। अरे बाप आप ठीक 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 नहीं, मेरी ऑडियंस की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना, मुझे पता है एक से मैसेज आते हैं आप प्लीज अरीब भाई के साथ इफ्तारी बनाए, सैरी पे जाएं या किसी जगह पे आप ना उनके साथ जाएं। तो भाई ऑडियंस की हमने बात मान ली। तो ये जो लड़के होते हैं ना, मैं हंस क्यों रहे हैं, एक जो लड़के होते हैं ना, इनको कहीं नुक्कड़ में भी मैच दिख रहा हो ना, तो ये वहीं पे ये 10 मिनट मैंने कहा शायद मेरे साथ स्पेंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखे वहाँ लाइव मैच लगा हुआ, ठीक है वो देख रहे हैं आप, वहाँ मैच चल रहा है और यहाँ ये बाबर आजम खेल रहा है। इतनी प्यारी उसने कवर ड्राइव मारी है। अच्छा तो अब बाबर आजम के साथ आप अगली दफा स्टेक खाने आएंगे? अरे मेरे साथ नहीं आएंगे बाबर जी, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, ठीक है? मैं स्टेक। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये टेबल अरीब ने मेरे लिए रिजर्व कराया था। यार इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, अब खा के देखूंगी के टेस्ट कैसा है, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत, आपको भी भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। सुबह से नाश्ता सुना किया हुआ आपने, आप ही ऑर्डर करें, मेरा मैं नहीं कर रही इतना, बिकॉज आपको पता है कि इस मेन्यू में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है। अरीब साहब खुद नीचे चले गए हैं और मुझे बोल रहे नीचे आ रहा हूँ, और पता वजह क्या है, नीचे मैच लगा हुआ है और जगह वो मिल रही है जहाँ पे मैच लगा हुआ है। सो गाइस फाइनली मेरा मज़ेदार रिवाइज स्टेक आ चुका है, खा के बताऊँगी अरीब मुझे जहाँ लेके आए थे। वाह अब देखें मैं ज़रा हल्की आँच पर, ये हल्की आँच पर बना हुआ स्टेक लग रहा है मुझे, थोड़ा जूसी जूसी, बट आई वॉन्ट इकरा के अंदर इतना जोर नहीं है, इकरा स्टेक खाएगी तो जोर आएगा ना। बहुत वेरी नाइस, फेक रिव्यू। चलो खाओ खाना अब स्कूल से। सो गाइस हम लोगों ने स्टे खा लिया था, इतना मजे का था, अरीब ने सही जगह सजेस्ट की थी, बड़ा बड़ा मजा आया वैसे। अब एक और जगह लेके जा रहे हैं, मैं तुम्हें एक चीज खिलाता हूँ, बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट चीज है, वर्ल्ड बेस्ट है, सोच मुझे वो पसंद है, वर्ल्ड बेस्ट है नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा बेस्ट यार ये लड़का जो है ना वो ऑर्डर करके आके और ये देखें फिर मैच अरीब इम्पोर्टेंट है ना, साथ बोबा टी पियेंगे, साथ मैच देखेंगे, साथ व्लॉग बनाना आप। अच्छा ठीक है अब बता क्या, अब सही है, पहले मुझे अक्सर कहते होते हैं कि जब भी जाता तुम हमेशा व्लॉग 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 व्लॉग, मेरे को तो मैच 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 मैच, मैं अपनी ऑडियंस नहीं छोड़ूंगी, अब अपनी गेम मैं अपने पाकिस्तान टीम नहीं छोड़ूंगा। ये जब हम ये जरा मैच देख ले, मैं पास बैठ के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर लूं और फिर हम मैच देखोगी आप भी, मुझे मैच दिखाएंगे, मैं बताता हूं क्या। अच्छा। क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, एहसान उल्लाह बॉलिंग कर रहा है, बहुत फास्ट बॉलर है, अभी नया नया आया ये। जी आपके लिए स्पेशल, ये क्या टिड्डी सी, ये अगर पसंद आई तो ये वाली भी ले, अपनी दिखाए आपकी कैसी है, इतनी बड़ी और मेरी इतनी टिड्डी, मैंने कहा शायद पसंद हो ना ये तुम्हें, और मैं लोगों को जरा टेस्ट करके दिखाऊं, सही है? लगता है अरीब आपको ये ड्रिंक इतनी पसंद है कि आपने तो बिल्कुल ही खाली कर दी है। ये तो पीने के लिए ली है, खाली तो करनी थी यार, यकीन करें मुझे कैसे लगी, मुझे ना ये शक्कर वाला दूध बिल्कुल मुनासिब लगा, शक्कर वाला दूध आज इसका नाम है गाइस, इट्स अ बोपाटी, इट्स शक्कर वाला दूध। कभी आपने पिया है शक्कर वाला दूध? तो आपको क्या पता, आप इंग्लिश बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश बच्चे यही करते हैं जिन्होंने ना शक्कर गुड़ खाया होता उनको पता होता नहीं है, तो इसको देख के ओ माय गॉड बब्बा टी शक्कर वाला दूध पिलाऊंगी हमें, आपको अपनी मम्मी याद आता, फिर आपने कहा ना मैं बब्बा टी भूल गया, ये तो इतने सस्ते में बन जाता है। इतनी अच्छी चीज तो
पिलाई तुमने उसको शक्कर वाला दूध पिला दिया। अब गाइस हम लोग घर जा रहे, वैसे ये मजे किया ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छी है। कैसा लगा ईद का तीसरा दिन मेरे साथ गुजार के? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि मेरी आपके साथ जिंदगी भी अच्छी कटेगी। मामा को कहूंगी कि किसी दिन आपको शक्कर वाला दूध बना के पिलाएं। सो गाइस हम आ चुके थे घर, और मजे की बात बताऊं घर के अंदर एंटर हुए तो घर पे ऑलरेडी गेस्ट आए हुए थे और अरीब ने मुझे छोड़ दिया। अरीब ने अंदर भी सबसे मिल लिया, उस वक्त मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकी क्योंकि गेस्ट थे। ओके अल्लाह हाफिज। मजा आया क्या? मुझे क्यों मजा आया, तुम्हें मजा आया? हाँ शक्कर वाला दूध पिला के बहुत मजा आया गाइस। कितना मजा आया, अब घर जाके सोचेंगे तो सही। इकरा ठीक कह रही थी, मैं जब पीऊंगा शक्कर वाला दूध तब कहूंगा इकरा ठीक कह रही थी। अच्छा अच्छा होगा नहीं ऐसे, आई तुमने अपने बात से बना लिया। मैं आपको बेट लगा दू फिर आप फिर मैं अपनी ऑडियंस के सामने यूनिक चीज पिलाई है तुम्हें। देखो शक्कर वाला दूध बना दिया। अरीब अच्छा था, मतलब शक्कर वाला दूध की हमारे साथ एक मेमोरी है। मेरी माँ बड़ा मजे का बनाती है, शक्कर वाला दूध भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। मेरी बहनों ने जब मुझे डिच कराया उस वक्त मुझे लेके गए, वो बोल रहे थे। अच्छा अब एक दफा वो टक 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 हो गया। नहीं 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 एक दफा मेरी ऑडियंस को बोले बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहें, खुश रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। चलते हैं अंदर क्योंकि मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ कि हमारे घर पे कैसा है। यहाँ पे देखिए लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सब लोगों का यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ पिछले 4 घंटे से चल रहा है गाइस, क्योंकि अब वो गेस्ट जाने वाले हैं। ये देखें गाइस ये अब तैयार, अब देखो मेहमानों ने भी तो तुम लोगों को तैयार करवाया। देखो जरा हाँ चैन से छुट्टी है, पापा वो तो थी। अब ये देखें गाइस ये जो होते हैं ना मेहमानों के जाने के बाद चीजों पे टूटते हैं, बिस्कुट पे टूट पड़ी है। तोबा मैं स्टेक खा के आई हूँ और बोबा टी खा के पी के आई हूँ। दिखाओ फातिमा की पहली, और ये किस जगह की ये भी बताओ, किस किस लिए गई थी वहाँ पे, किसका? हाँ जी गाइस मेरा पहला कॉन्सर्ट था, हाँ जी मैंने लम्स में परफॉर्म किया था, और ये मेरे साथ गई थी, पापा गए थे, मम्मा गए थे, और ये तब की पिक्चर है जो फातिमा की पहली इंस्टाग्राम। हाँ बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आऊंगी, पूरा वाइप करूंगी। ओके डन। चलो जी मैं घर आई हूँ तो मेरी अम्मा मिठाइयाँ समेट रही हैं। क्या पिस्ता तेरा फेवरेट है? पिस्ता मम्मा ये पतीसा है। अच्छा पतीसा सरहाने अपने रख लो जब दिल करे खा लो। तो जी गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मैं आ गई अपने कमरे में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सो अब अरीब जो है वो लेने के लिए जा रहे हैं मशहूर क्या ड्रिंक है, बोबा टी ड्रिंक। हाँ इतने मासूम अंदाज में कहने, बोबा टी ड्रिंक है। तो हाँ, ड्रिंक ही है मैं।